एनएफआर के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कहा कंचनजंगा दुर्घटना की होगी पूरी जांच। कल रविवार को अगरतला श्यालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई दुर्घटना की जांच के लिए आज पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्वचालित सिग्नल काम नहीं कर रहा था, उस स्थान पर पेपर सिग्नल का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मालगाड़ी की 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यों चल रही थी, इस विषय सहित सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। श्री गर्ग आज न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के एनडीआरएम कार्यालय भी जाएंगे और पूछताछ करेंगे। रेलवे ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के लिए दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने के लिए दुर्घटना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से अपील की है। दुर्घटना के बारे में यह पता लगाने के लिए आवश्यकता अनुसार जांच जारी रहेगी कि क्या मानवीय त्रुटि या स्वचालित सिग्नल प्रणाली की तकनीकी समस्या के कारण हुआ था। इसी बीच खंड में अपलाइन को बहाल कर दिया गया है और दुर्घटना स्थल पर डाउन लाइन मरम्मत और सफाई करने का काम जारी है। इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो रहा है, आफ्टरनून से इंक्वायरी स्टार्ट। हाँ सर, यहाँ पर एडीआरएम ऑफिस है, वहाँ पर इंक्वायरी करेंगे। आज आफ्टरनून के लिए तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो भी पता चलेगा कि हुआ क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है, क्यों ऐसा हुआ है। सर लोकेशन पे आप है सर, लोकेशन को देख के आपको मतलब क्या आप समझे, क्या कुछ शेयर कीजिए सर। सर ये ऑटोमेटिक सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल खराब थे तो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होता है ड्राइवर्स को, तो पहले वाले ड्राइवर को भी फॉलो करना है, पीछे वाले को करना है। अब इसमें क्या गलती है उसी का इन्वेस्टिगेशन करना है। सर चोइताली चोइताली बोल के सिग्नल है 300-400 मीटर दूरी पे है, वहाँ से क्रॉस करते हुए तो इतना लिटिल डिस्टेंस है, कैसे ये 78 किलोमीटर स्पीड में गया, वही तो अभी इन्वेस्टिगेट करने दोगे तभी तो पता चलेगा। सर सर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सारा एक पैसेंजर ने सील कर लिया गया है, सारी अथॉरिटी जो दी गई हैं वो सब सील कर ली गई है, लोगों से अभी इंक्वायरी होगी, उसके बारे में पता चलेगा कि सिग्नलिंग कोई फेलियर था कल, ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर था, पेपर सिग्नल मिला है ऐसा बोल रहा है। नहीं अथॉरिटी दी जाती है, जैसे ऑटोमेटिक सिग्नल होता है, कोई सिग्नल खराब होता है तो अथॉरिटी दी जाती है उसको, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम नहीं कर रहा था, नहीं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कुछ सिग्नल खराब थे, जब ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कोई सिग्नल खराब होते हैं तो उसको पार करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है, वो अथॉरिटी दी गई है, उस अथॉरिटी देने के बावजूद भी कैसे इतना स्पीड आया है वो सब मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। सर रेल ने मुझे नहीं पता वो ठीक है।